नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। दोस्तों इस शेयर से जुड़े हुए आपके बड़े ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन ये भी देखने को मिला सर ये 52 वीक हाई पे चल रहा है, क्या इसे इस प्राइस पे भी बाय करना चाहिए, तो आज इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों क्वार्टर वन के रिजल्ट की बात करें, एक बार फिर से कंपनी ने एक जबरदस्त प्रॉफिट शो करके बताया है, जो कि उसी दिन आपको 3 से 4% का जंप शेयर ने दिखाया था। दोस्तों ओवरऑल अगर पिछले 2 से 3 साल की बात करें, कंपनी का रेवेन्यू हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है, कभी एक आधे क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू हमें नीचे जाता हुआ देखने को मिला, लेकिन कंपनी ने उसकी दुगनी रफ्तार से अपना क्वार्टरली रिजल्ट एक अच्छा खासा शो किया है, जिसके बेस पर शेयर ने एक अच्छे खासे रिटर्न दिए पिछले 1 साल में। दोस्तों ये शेयर आपको 16 रुपये के बोला गया था कि इस शेयर को बाय करके चलिए, आप देख सकते हो 45 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। और यहाँ पे एक और ज़बरदस्त न्यूज़ देखने को मिली है, सीधा आपको लेकर चलता हूँ इसकी न्यूज़ पे, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि मार्केट लीडर है यह स्मॉल फाइनेंस बैंक, बम्पर रिजल्ट के बाद 40% तक रिटर्न के लिए बाय की सलाह। दोस्तों इस शेयर को 45 रुपये पे भी बाय करने की सलाह दी गई है। ब्रोकरेज का टारगेट है कि आने वाले समय में ये शेयर अभी भी यहाँ से 40% ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी के अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें, क्वार्टर वन के रिजल्ट की बात करें, कंपनी के एक अच्छा खासा रिजल्ट शो किया है, जो कि आने वाले समय में आपको इस शेयर से एक अच्छा खासा मुनाफा दिलाएंगे। दोस्तों क्वार्टर थ्री की बात करें या क्वार्टर फोर की बात करें, कंपनी ने एक अच्छा खासा रेवेन्यू शो किया, कंपनी के ग्रोथ एनपीए में कम होते हुए देखने को मिले, नेट एनपीए कम होते हुए देखने को मिले, ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा देखने को मिला। और इसी बेस पे मैंने आपको बोला था कि कंपनी को बाय करके चलिए, ये शेयर आने वाले समय एक अच्छा खासा रिटर्न देगा, और वैसा ही हमें देखने को मिला। दोस्तों लगातार कंपनी के डिपॉजिटर बढ़ते जा रहे हैं, अगर कंपनी के जितने ज़्यादा डिपॉजिटर बढ़ते जाएंगे, कंपनी उतना ही वो अपना कैश लोन के तौर पर अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेगी, उसमें एक अच्छा खासा इंटरेस्ट देखने को मिलता है, और कंपनी एक बार फिर से मुनाफे में आती हुई देखने को मिलती है, और कंपनी एक अच्छा खासा मुनाफा शो करती है। तो दोस्तों जिस हिसाब से कंपनी काम करते हुए देखना मुझे, इसको बाय करके चलिए, ताकि आप इस शेयर से एक अच्छा खासा रिटर्न ले पाएं। अगर ओवरऑल इसका मैक्सिमम चार्ट ओपन करूं तो इसका हमें ऑल टाइम हाई 60 रुपये के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन 2022 के बाद इस शेयर ने एक बार फिर से रफ्तार पड़ी है, कोरोना का काल भी हमने देखा था उसके पहले, कंपनी की लिस्टिंग के बाद इसमें एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन 2022 के बाद कंपनी के अगर आप रिजल्ट देखोगे अच्छे खासे देखने को मिल रहे, तो मैं आपको ये बोलूंगा कंपनी एक अच्छा खासा काम करते हुए देखने को मिले, आने वाले समय में ये शेयर आपको 100 भी जाते हुए जरूर देखने को मिलेगा, अगर ऐसे ही काम करता गया तो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।